हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप गाइस सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ओके तो गाइस आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फिर से एक बार टिप्स एंड ट्रिक पे वीडियो। और भाई टिप्स एंड ट्रिक वीडियो है इस घर पे। ओके इस घर पे आप देख रहे हो ना ये वाला घर जो पोची नॉक पे आता है। तो भाई पोची नॉक पे ये वाला घर बहुत ओपी और बहुत ओपी जाने वाला है। बिकॉज यार देखो क्लैश स्क्वाड में बहुत ज़्यादा इसी घर के पास ही जोन बनता है। ओके और भाई जहाँ भी जैंक आप क्लासिक ले लो कहीं भी ले लो ब्रो, इस घर पे आना बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है। ओके बाकी घरों के मुकाबले, क्योंकि यार इस घर में ना भाई जो कैंपिंग है ना वो तबाही होता है। तो यार आज इसी बात पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज यार मुझे पता है मैं कैसे मरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मर जाओ। ओके आप समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपको अब फर्स्ट वीडियो आता है टीपीपी लेने पे। ओके तो फर्स्ट ट्रिक है गाइस, हम लोग क्या करते हैं कई बार हम लोग यहाँ से सिर्फ टीपीपी लेते हैं। ठीक है यहाँ से टीपीपी लेते हैं। देखिए बंदा यहाँ से आता है तो सीधा पता चल जाता है ना, लाइक बंदे के सीधा हेड पे एम जाता है, उसके बाद सीधा ड्रैग करते हुए बॉडी फिर हेड ऐसे जाता ना। देखिए आप यहाँ पे फायर करते हो तो सीधा हेड पे जाता है बंदा, ऊपर आएगा तो ऑब्सोल्युटली बॉट है कि वो हेड पे जाएगा। ठीक है उसके बाद उसके बॉडी पे जाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन एक बात ये भी है कि आपको ध्यान रखना है पीछे। ओके ये वाला जो पोशन दिख रहा है, ये वाला जो पोशन, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो ग्लू वॉल लगा सकते हो या फिर भाई यहाँ से हट जाओ। मैं सही बता रहा हूँ। देखिए ये वाला पोशन जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है। बिकॉज एक बंदा यहाँ से आ रहा है, आपके पास एक बंदा यहाँ से आ रहा है और एक बंदा अगर इधर से आ गया ठीक है जम करके, तो भाई आपका सैंडविच होगा और आप पिल जाओगे, आपका पूरा का पूरा टीम रोएगा फिर। तो भाई एक टिप्स ये हो गया कि आप यहाँ पे वॉल लगा सकते हो और यहाँ पे टीपीपी तो ले ही सकते हो यार, बहुत अच्छी जगह ये टीपीपी लेने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट जगह है यहाँ पे। ओके और दूसरी बात ये है कि अगर आप टीपीपी लेना चाह रहे हो ठीक है, और आपको लगता है कि बंदा यहाँ आएगा ऊपर आएगा डायरेक्टली, तो आप टीपीपी कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से, यहाँ पे आप टीपीपी ले सकते हो गाइस। ये बेस्ट जगह है, यहाँ पे बंदे ध्यान नहीं देते। बस इसके लिए आपको फुटप्रिंट्स ध्यान में रखने होंगे। ओके फुटप्रिंट्स ध्यान में रखने होंगे ऐसे कि लाइक बंदे को पता आपको पता है कि बंदा इस साइड है, इसके उस पार है, तो आप यहां से टीपीपी ले सकते हो। ओके यहां से टीपीपी ले सकते हो और बंदे को डैमेज दे सकते हो। वो जैसे ही चढ़ते रहेगा ना फट बस हो गया डैमेज। बस भाई ये दी बस इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है, बंदे को डैमेज चला गया ठीक है, उसके बाद जाके आप आराम से उसे फिनिश भी कर सकते हो क्योंकि वो पहले से डैमेज है। ओके तो यार ये अच्छी बात है। और भाई प्लीज़ ऊपर जाने से पहले यहाँ पे वॉल लगाना मत भूलियो। ओके यहाँ पे वॉल लगाना मत भूलो, ऊपर जाने से पहले यहाँ पे वॉल लगा लो ऐसे, ताकि आपको ये कवर बन जाए, आपको ये कवर बन जाए और आप आराम से अपने बंदे के साथ सर्वाइव कर सको या उसे फिनिश कर सको जो सामने है। ओके नहीं तो भाई देखिए आप अगर आप बंदे को आप डैमेज दिए और बंदा यहाँ पे आ गया है ठीक है, गन लेके यहाँ पे आ गया है, ये वॉल नहीं है, तो बंदा सीधा मारेगा ना आपके हेड पे पड़ेगा और आप चले जाओगे भाई उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से आप आए थे। ओके तो ये हो गया टिप्स नंबर टू। अब भाई आता है भाई सबसे बड़ी बात कि कहाँ पे लगाए, समझ रहो ना कहाँ पे लगाए, ये कहाँ पे लगाए भाई, ये लगाना कहाँ पे है। तो यार मैं तो बोलूँगा कि आप इसके ऊपर में चढ़ के लगाओ क्योंकि ज़्यादातर बंदे ध्यान नहीं देते ठीक है, ज़्यादातर बंदे यहाँ पे ध्यान नहीं देते यार, यहाँ पे ध्यान नहीं देते ज़्यादातर बंदे, लगा लो और चले जाओ चुपचाप। देखो लेकिन यार बात यह है कि बंदे ना जम करके आजकल फोड़ देते हैं, बंदे ज़्यादा ही से आने हो गया भाई ठीक है। लेकिन देखो जंप करोगे भी ना, यहाँ पे जंप भी कर रहा ना बंदा तो आराम से वो नहीं कर पाएगा। ये देखो कहाँ पे स्पॉट कर पा रहा है, बंदे को पता रहता ना कि मतलब एग्जैक्ट या तो यहाँ पे लगा होगा ठीक है, या तो फिर यहाँ पे लगा होगा यहाँ पे, और वो बंदा ऐसे आके जंप करेगा तो आपका वो स्पॉट नहीं हो पाएगा ठीक है। तो इससे ये एक फ़ायदा है कि आप आराम से बंदे का डैमेज ले सकते हो आप आराम से भाई। तीसरा टिप्स ये हो गया। ओके और भाई वही वाला मैंने बताया ना, चौथा टिप्स ये है कि आप अगर यहाँ पुश कर रहे हो, इस घर में पुश कर रहे हो, तो इस घर में पुश करने से पहले आप ना बस यहाँ चले जाओ, बस यहाँ चले जाओ भाई, यहाँ चले जाओ आराम से, आराम से एक बंदा नॉक कर लोगे आप आराम से भाई।
यहाँ से इतना अच्छा व्यू बनता है ना, यहाँ से इतना अच्छा व्यू बनता है कि क्या ही बोले भाई। देखो आप यहाँ इस वाले बंदे को मार सकते हो, इस वाले बंदे को मार सकते हो, इस वाले बंदे को मार सकते हो, और प्लस जो ऊपर में टीपीपी लेते रहेगा ना यहाँ पे, उसको भी मार सकते हो, ठीक है। और चौथा आता है भाई टिप्स की बारी, चौथा टिप्स। तो यार देखो आप, अगर ये चौथा टिप्स क्यों कब होगा यूज़ पता है, जब आप स्क्वाड में रहोगे, ठीक है, जब आप स्क्वाड में रहोगे ना तब ये टिप्स यूज़ होगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आपको यहाँ पे अपने बंदे को खड़ा रखना होगा, ओके, यहाँ पे अपने बंदों को रखना होगा। एक बंदा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और एक बंदा रहेगा आपको आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे रखना एक बंदा, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क है यार, बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं सही बता रहा हूँ ब्रो, ठीक है। अगर आपका चार का स्क्वाड है तो और जो तीसरा बंदा है वो यहाँ पे रहेगा, और भाई एक बंदा ना आप रखो टीपीपी लेने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए, जो सीढ़ी के पास बंदा है ना उसके लिए रखो आप यहाँ पे रखो, हाँ आप यहाँ पे रखो, ताकि उसको सपोर्ट मिले जो यहाँ पे खड़ा रहेगा बंदा उसको, ठीक है। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको नेड करना है, दोनों साइड से नेड करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नेड कर दो, ठीक है। उसके बाद उधर से उस वाले बंदे को एक ही टाइम में बोलना है, लाइक एक ही समय में बोलना है, दोनों को एक साथ नेड करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ यहाँ से नेड करना है, ताकि होगा ये कि बंदा जो है ना वो सारे के सारे कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ के। लेकिन ये बात है भाई, जो बंदे नीचे में खड़े रहेंगे ना इस पार और उस पार, उन सारे बंदों के पास वो होना चाहिए यार, ठीक है, ग्रेनेड, वो भी दो दो तीन तीन ठो, भाई आराम से आप स्क्वाड क्लच कर जाओगे। देखो यहाँ पे भी नेड आ रहा है यहाँ पे, तो इस एरिया में पूरा डैमेज जाएगा यहाँ पे, और बंदा क्या करेगा इस पार आ जाएगा, फिर वो बंदा आपका जो दूसरा बंदा है वो यहाँ से नेड करेगा, तो डैमेज तो आना ही है भाई। मतलब ऐसा है कि आप आराम से स्क्वाड क्लच कर जाओगे बिना कोई वो लगाए, एफर्ट लगाए, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बनानी है, ओके। तो यार आज का टिप्स एंड ट्रिक इतना ही था बस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो यार, आप लोग तो मेरा भाई हो भाई, आप सब कर सकते हो, ओके। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी रोज, और मैं फोड़ देता हूँ इनका सर, ओके, तो बाय, टेक केयर, आप सभी का सभी अपना ख्याल रखिए, और बस ऐसे ही लाइक का बटन दबाते रहिए यार, लाइक का बटन दबाना मत भूलो, और यार शेयर करो लाइक फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा जिसमें भी आप कर रहे हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नए वीडियो में, ओके।